दोस्तों की लाइफ को स्टडी करूं तो आपके ख्याल में 20 साल पहले मैं जब कॉलेज से निकला और मेरे दोस्त कॉलेज से निकले, हम सबकी लाइफ एक जैसी था? हम सबकी लाइफ एक जैसी क्यों नहीं है? एक मिलियनर बन गया, एक मिलियनर नहीं बना, एक आज भी जॉब कर रहा है, एक धक्के खा रहा है, एक पायलट बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक आर्मी में चला गया, यस और नो? हम सबकी लाइफ मुख्तलिफ है कि नहीं है? क्यों? उसका आंसर बताएं। उसका आंसर एक है, डिसीजन, फैसला। हम सब ने 20 साल पहले कोई ना कोई फैसला किया था, उस फैसले ने मेरी लाइफ को शेप कर दिया। मैंने फैसला ये किया था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ धक्के खाने के लिए, तो मैं उसका खा रहा हूँ। तो 20 साल पहले इंसान जो फैसला करता है वो 20 साल के बाद या तो उसका खा रहा होता है या भुगत रहा होता है। ऐसा ही तो आप या तो खा रहे हैं या भुगत रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं मैंने तो फैसला नहीं किया था, अब्बू ने कहा था, अब्बू फैसला किया था, अब्बू ब्राजील ले आए थे। अच्छा, चूंकि अब्बू ब्राजील ले आए आपको, आप ब्राजीलियन पासपोर्ट लेके निकल आए, तो आप या तो भुगत रहे हैं या खा रहे हैं। मेरे बच्चों के पास आज ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, मलेशियन पासपोर्ट है, या तो वो उसको भुगत रहे हैं या खा रहे हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा चलिए, नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। फैसला, इसका मतलब सारी की जो है वो फैसले की है। फैसला राइट कर लें तो मेरा नसीब शेप होता है उससे, फैसला गलत करता हूं तो मेरा नसीब का बेड़ा गर्क हो जाता है। इमाम अली से किसी ने जाके पूछा कि नसीब में और मुकद्दर में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि एक टांग उठाओ, उसने एक टांग उठाई। उन्होंने कहा दूसरी टांग उठाओ, वो नहीं उठा सका। तो इमाम अली ने उसको कहा कि देखो जो तुम्हारे इख्तियार में है वो नसीब है, जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है वो मुकद्दर है। जिस माँ के घर पैदा होना था, जिस बाप के घर पैदा होना था, वो तुम्हारा मुकद्दर था, और जो तुम फैसला करते हो वो तुम्हारा नसीब है। इसका मतलब नसीब तो मेरे हाथ में, मैं तो कह रहा था कि मेरी किस्मत फूटी हुई है। असल में मैं खुद बेवकूफ हूं, इसलिए ये कह रहा हूं। बेवकूफ इंसान यही कहता है ना, मेरी किस्मत फूटी हुई है। अच्छा, बेवकूफ को एंड पे कोई ना मिले तो कहता है खाला ने जादू कर दिया मेरे। ऐसे ही मसला ये है कि आप ये नहीं रियलाइज कर रहे कि भाई फैसले आपके हैं, आपका फैसला आपके नसीब को शेप करता है। इसका मतलब फैसला राइट कर लें, खुश नसीब होने, फैसला राइट करें। अब आइए फैसले की साइंस बताता हूँ आपको। ठीक है सनी भाई, मुझे ये बताएं मैं अच्छा फैसला कैसे करूं? भाई जब आप इंसान फैसला कर रहा होता है उस वक्त तो उसे खुद नहीं पता लगता कि मैं अच्छा फैसला कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो तो कहता है अच्छा ही, यस ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मैं अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। किसी बाबे से पूछें कि आपकी जिंदगी में क्या रिग्रेट्स हैं, वो आपको एक लिस्ट दे देगा, ये भी रिग्रेट, ये भी रिग्रेट, ये भी रिग्रेट। लेकिन वो हर रिग्रेट के पीछे उसका फैसला था कि नहीं था? इसका मतलब फैसला गलत किया। फिर फैसला गलत क्यों किया आपने? अब मैं बताता हूँ फैसला गलत करने की क्या वजह होती है, फैसला लोग सही कैसे करते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक और पॉइंट समझा दूं आपको। जो नॉलेज आज की तारीख में आपके पास मौजूद है, अगर ये नॉलेज 10 साल पहले होता तो मजा ना आ जाता। आप मिलियनर होते, यस और नो? ऐसा ही है। अच्छा, आज से 10 साल के बाद जो नॉलेज आपके पास आने वाला है वो अगर आज आ जाए तो मजा ना आ जाए? इससे इंग्लिश में कहते हैं यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। हमें तो खुद नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता, और वो पता लगेगा 10 साल के बाद। मुझे आज नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता जो मुझे 10 साल बाद पता लगेगा, तो भाई आज पता लगा लो ना और राइट फैसला कर लो भाई। यही तो साइंस है। जो आपको नहीं मालूम वो आज पता लगाओ और फैसला उसकी बेस पे करो। पता कैसे लगाऊं? जो नॉलेज मेरे पास नहीं है जिसकी बेस पे मैंने फैसला करना है, वो मिसिंग कंपोनेंट है मेरी लाइफ में। ये अगर मुझे मिसिंग कंपोनेंट का पता लग गया ना, तो मैं तो मिलियनर ना बन जाऊं, मैं खुशनसीब इंसान ना बन जाऊं। अब इसका सोल्यूशन बताता हूं मैं, बड़ा आसान सोल्यूशन। अगर खुशनसीब होना है तो फैसला राइट करो। फैसला राइट करने के लिए अननोन, जो लाइफ में जो मिसिंग पुर्जा है, वो नॉलेज जो मुझे नहीं मालूम आज की तारीख में, वो हासिल करो, फैसला राइट हो जाएगा, ताकि मुझे 10 साल बाद रिग्रेट ना करना पड़े। उसका आसान तरीका बताता हूँ कि फैसला ही नहीं करो। आसान सोल्यूशन है कि फैसला ही नहीं करो, क्योंकि मैं जो फैसला इस वक्त करने जा रहा हूं मैं इसको राइट समझ रहा हूं। ये है मेरी मुसीबत सबसे बड़ी, और मैं इसको राइट इसलिए समझ रहा हूं कि मेरी लिमिटेड सी नॉलेज है, वो जो अननोन नॉलेज है जो मुझे 10 साल के बाद मिलने वाली है,
वो मुझे आज नहीं पता, तो फैसला कैसे करूं? तो आसान सोल्यूशन, भाई फैसला ही नहीं करो, फैसला करवाओ। फैसला करते नहीं बल्कि फैसला करवाते हैं। अच्छा फैसला कैसे करवाएं? फैसला करवाने के हैं दो तरीके। पहला तरीका है मशवरा, दूसरा तरीका कलेक्टिव विजडम। मशवरा तजर्बाकार इंसान से लेते हैं, और इमाम अली का मजे की बात है, कौल है कि जिसने खुदराई से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, जिसने मशवरा मांगा गोया वो उनकी अकलों में शरीक हुआ। 17 साल में तबाह बर्बाद हुआ। कैसे? मैं कहता था मैं यूं कर लूंगा, फिर यूं कर लूंगा, फिर ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, शेख चिल्ली की तरह लगा रहता था। अच्छा अंडे निकल आएंगे, अंडों का मैं ये कर लूंगा, फिर वो कर लूंगा, मुर्गी बार बार मर जाती थी मेरी। समझ में नहीं आता था यार कि अंडों की मैं साइंस जानता लेकिन मुर्गी की साइंस क्यों नहीं आती मुझे, मेरी मुर्गी बार बार क्यों मर जाती? ये था जी सारा मसला। क्यों? खुदराई से काम लेता था मैं, अपने आप को मशवरे देता था। तो कभी फैसला खुद नहीं करते, फैसला करवाते हैं, तजर्बाकार इंसान से करवाते हैं। अच्छा चलें, ये तो एक तरीका बता रहा हूं। अच्छा सनी भाई, तजर्बाकार इंसान कहां से मिलेगा? ये तजर्बाकार इंसान, मेरा मशवरा माने, अगर तजर्बाकार इंसान ना मिले ना तो काम ही ना करेगा। अगर तो खुशनसीब रहना चाहते हैं, नहीं तो बदनसीब हो जाएंगे बहुत जल्दी आप। तो इसका मतलब मशवरा वाजिब है, मशवरा इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा ऊपर से इमाम अली ने ये भी कह दिया कि कंजूस का मशवरा नहीं लेना, बुजदिल का मत लेना, लालची का मत लेना। इसका मतलब सखी का लेना, नडर का लेना। सखी कहता ले लो, नडर कहता करो, बुजदिल कहता नहीं करो। ऐसे ही फाइनल सोल्यूशन बताता हूं। चलें ये तो एक मशवरा हो गया। सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन है कलेक्टिव विजडम। कलेक्टिव विजडम कहते हैं कि डिनर करते हैं और 5 तजर्बाकार लोगों को बुला लेता हूं डिनर के ऊपर कि जी मैं सोच रहा हूं कि ब्राजील चला जाऊं, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? अच्छा अब वो 5 तजर्बाकार लोग मिलके आपको बताएंगे, एक बोलेगा नहीं जाओ, एक बोलेगा जाओ, हर बंदा अपनी लॉजिक देगा। उसमें एक औरत को बिठा दें, देखिए औरत वो पॉइंट्स बताएगी जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे, इसलिए कि आप औरत नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? देखिए ना, आप सब सुबह उठेंगे आप बोलेंगे यार ये पॉइंट तो वाकई मैंने सोचा नहीं था। ये था वो अननोन नॉलेज जो आपके पास 10 साल के बाद आना था, जो आपने आज हासिल कर लिया। इस अननोन नॉलेज की वजह से आपने डिसीजन राइट ले लिया, क्योंकि हम 5-5 साल पीछे जा रहे हैं डिसीजन गलत होने की वजह से। तो डिसीजन राइट करेंगे तो खुशनसीब हो जाएंगे ना। अच्छा उसने एक कराची वाले को डाल दें मेमन को, मेमन वो पॉइंट्स बताएगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे। यस सर, नो यस सर, यस सर। डाइवर्सिटी होनी चाहिए मशवरे के अंदर। ये 5 लोग बैठे होंगे जो तरह तरह के आपको मशवरे देंगे, सोल्यूशन देंगे, डिबेट करेंगे। एक बोलेगा मत जाओ डिबेट, बहुत ज्यादा क्राइम होता है बरेली के अंदर। एक बोलेगा यार क्राइम का क्या है, किसी साफ सुथरे इलाके में चले जाओ, बच्चा पैदा करो, वहां से बाहर आ जाओ, 6 महीने का तो सफर है। एक बोलेगा ये कर लो, एक बोलेगा ऐसे कर लो, एक बोलेगा वैसे कर लो। तो 5 लोगों से एक कलेक्टिव विजडम आती है आपके पास। सुबह आप सोचेंगे कि यार वाकई मैंने ये पॉइंट भी नहीं सोचा था, ये वाला भी नहीं सोचा था, ये भी नहीं सोचा था, वो भी नहीं सोचा था, यार बड़ा अच्छा किया मैंने इन 5 लोगों को बुला लिया। अगर आप कलेक्टिव विजडम के ऊपर काम करना शुरू कर दें, आप खुद ब खुद खुशनसीब हो जाएंगे, क्योंकि आपके डिसीजन राइट होने शुरू हो जाएंगे। खुशनसीबी आपके फैसलों से आती है, बदनसीबी आपके फैसलों से आती है। खुशनसीब इंसान के फैसले राइट होते हैं, बस ये सारा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैंने नसीब की दुआ बताया हुआ है, पावरफुल टूल, मुफ्त का टूल है, मुफ्त का टूल है, आप यूज करें उस मुफ्त के टूल को। लोग इसलिए यूज नहीं करते, मैं अल्लाह मियां से किस मुंह से मांगूंगा, जो मुंह ऐसे से मांगे, गुनागार हो, नेक हो, जैसे भी हो, मांगने वाले को दिया जाता है, ना मांगने वाले को थोड़ी दिया जाता है। तो मांगे जैसे मैंने मांगी थी, मैं तो अल्लाह मियां के पीछे पड़ गया था, मैं तो पीछे पड़ गया था और अल्लाह मियां ने दे दिया मुझे। अच्छा जब नसीब की दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ने मुझे विजडम दी। अच्छा जब विजडम आती है तो पता लगता आ रही है, घर वाले भी कह रहे हैं कुछ आ रही है। इंसान की बातचीत चेंज हो जाती है, उसकी हर चीज चेंज हो जाती है। तो वो
दुआ वाजिब है भाई, ये दो काम करें आप तो सारे कुछ नसीब है उसके बाद। अच्छा नहीं भाई, थोड़ा